Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. आज की बातों के तार जुड़े हैं सरप्राइज से। अरुण, I think we need to talk. एक हफ्ता हो गया है, अब मैं तुम्हारी इग्नोरेंस टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। रचिता अपने बेडरूम की बालकनी में पिछले एक घंटे से खड़ी कुछ सोच रही थी। फिर उसने अपने बालों को बन में बांधा और किचन में आ गई कॉफी बनाने के लिए। गैस पर कॉफी चढ़ाने के साथ अपने मोबाइल पर अरुण को मैसेज टाइप करने लगी। कुछ दिनों से रचिता और अरुण के बीच अजीब सी दूरी आ गई थी। लोग बिजी होते हैं, फैमिली और डियर वंस को टाइम भी कभी कभी नहीं दे पाते, लेकिन अरुण का बिहेवियर इस तरफ इशारा नहीं दे रहा था। ही स्टार्टेड इग्नोरिंग रचिता। सुबह उसके उठने से पहले घर से चले जाना, डिनर टेबल पर साथ होते हुए भी साथ ना होना और दिन भर में उसके फोन्स और कॉल्स को आंसर ना करना, ये सब अरुण पहले नहीं करता था। खैर, कॉफी पीने के बाद रचिता ने अपनी फ्रेंड सोनल को कॉल किया और कुछ कहे बिना ही बाद में कॉल करूंगी कहकर कॉल कट कर दी। रात के 12:45 बज चुके थे। घड़ी की टिक टॉक के साथ अब रचिता की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, अरुण के इंतजार में। अपने अकेलेपन के बीच रचिता को रोड का सन्नाटा चुभने लगा था। अरुण आज भी लेट होगा, ये उसने फिर नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि रचिता ने उससे इस बारे में कभी पूछा नहीं, लेकिन जवाब में हर बार वर्कलोड, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम या कोई और वजह बताकर वो बात टाल दिया करता। रचिता की आंखें ये सब सोचकर भरी हुई थी और तभी लगता है अरुण आ गया। आज दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। उसे भी तो लगे कि मैं कितनी नाराज हूं, मुझ पर क्या बीतती है। जो अपने होते हैं उन्हें नाराज होने का पूरा हक होता है, और रचिता को भी था। डोरबेल बार बार बज रही थी। फिर अरुण ने रचिता को कॉल किया और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला तो सामने अरुण था और रचिता की मम्मी, पापा, छोटी बहन, जो उसे 6 महीने से नहीं मिले थे, और साथ में थे उसके दोस्त। हाथों में गुब्बारे, गिफ्ट लिए अरुण हाथ में केक लेकर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, हैप्पी बर्थडे रचिता, सॉरी बहुत दिनों से तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैंने सोचा तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज दूंगा, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, आई लव यू रचिता। रचिता वॉज ऑल लोडेड विद इमोशंस। एक हफ्ते की इग्नोरेंस, गुस्सा, अकेलापन सब भूल गई थी। कुछ नहीं भूल पाई तो बस आई लव यू टू अरुण, कि ये सरप्राइज उसे हमेशा याद रहेगा। ये थी बूंदों से बातें, कंसेप्चुलाइज्ड बाय विजय, रिटन बाय वर्तिका, कंपोज्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत, और आवाज थी मेरी यानी रघु रफ्तार की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM Official। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं।